और चलिए विजय दिवस की बात कर लेते हैं। आज पूरा देश विजय दिवस पर शहीदों को नमन कर रहा है। विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश उन शहीदों को सलाम कर रहा है जिन्होंने कारगिल की जंग में अपनी शहादत दी थी। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। तस्वीरें गवाह हैं कि हिंदुस्तान अपने वीर सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूलता। करगिल के जिन पहाड़ियों में देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं पहाड़ियों में आज उन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। करगिल की जंग में मिली जीत का जश्न हिंदुस्तान हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे और जंग में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल वॉर मेमोरियल पर उन तमाम वीर जवानों के नाम अंकित हैं जो 1999 में हुई करगिल की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। रक्षा मंत्री ही नहीं, तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS अनिल चौहान भी इस खास मौके पर जवानों की शहादत को याद करने पहुंचे। विजय दिवस पर इस खास कार्यक्रम के लिए द्रास की पहाड़ियों के बीच करगिल वॉर मेमोरियल को खास तौर पर सजाया गया था। जमीन पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट देश के वीर जवानों को आसमानी सलामी दे रहे थे। करगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के दो जवानों ने करगिल युद्ध में भारत की शौर्य गाथा भी सुनी। रक्षा मंत्री जंग में शहीद हुए तमाम जवानों के परिवार वाले भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री करगिल वॉर मेमोरियल पर मौजूद संग्रहालय भी पहुंचे। इस संग्रहालय में हर जगह हिंदुस्तान के जवानों की वीरता के प्रमाण हैं। करगिल की जंग पाकिस्तान के विश्वासघात का नतीजा थी। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की पहाड़ियों में चुपके से बंकर बना लिए थे। करीब 84 दिन तक चली जंग के बाद 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया था। ये जीत हर साल विजय दिवस के तौर पर देश के जवानों की वीर गाथा को दोहराती है। विजय दिवस के मौके पर करगिल की पहाड़ियों के बीच हुआ ये कार्यक्रम देश के उन जवानों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के आगे अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधमपुर में सेना के मुख्यालय पे भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे जवान भी मौजूद थे जो खुद कारगिल की जंग के गवाह रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। आज 26 जुलाई है और इस दिन को समूचा राष्ट्र जो है करगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय में जो कि उधमपुर जिले में स्थित है और यहां पर भी जो है शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और यहां का जो युद्ध स्मारक है, यहां पर आप देखिए जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो अफसर हैं जो कि युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। और करगिल में 1999 में जिस प्रकार हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, अदम्य साहस दिखाया, उसको पूरा राष्ट्र नमन करता है, याद करता है। आज भी 24वीं वर्षगांठ है करगिल विजय दिवस की और समूचा राष्ट्र जो है शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम
जो युद्ध स्मारक है द्रास में, यानी कि करगिल में, वहां पर हो रहा है। वहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं गए हैं शहीदों को नमन करने, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, और साथ ही में सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और अन्य जो आला अधिकारी हैं सेना के, वो भी वहां पर मौजूद हैं। वीर नारियां आई हैं और जो शहीदों के परिवारजन हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो समूचा राष्ट्र जो है शहीदों को आज याद कर रहा है, करगिल युद्ध के शहीदों को। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने करगिल की चोटियों पर कब्जा किया था और उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय जो है उसकी शुरुआत की थी, और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया था। यानी कि तमाम चोटियां जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, उन तमाम चोटियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में हमारे 500 से अधिक सैनिक जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हीं सैनिकों को आज याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और यहाँ पर जो ये युद्ध स्मारक है भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय में, यहाँ पर जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के, लेफ्टिनेंट जनरल आनिंद्या सेन गुप्ता, उन्होंने यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। और यहाँ पर युद्ध स्मारक पर आप ये पंक्तियों को देखिए, इन पंक्तियों को पढ़िए, भगवद गीता के श्लोक है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म जो है वो सबसे प्रमुख चीज है, कर्म पर हमें फोकस करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र पर भारतीय सेना जो है वो कार्य करती है। कर्म जो है उनका, वही उनका धर्म है, और उनका कर्म है मातृभूमि की रक्षा करना, किसी भी चुनौती से निपटना, और राष्ट्र की आन बान शान पर कोई आंच ना आए ये उनको सुनिश्चित करना है। और तिरंगे की आन बान शान को उन्होंने हमेशा हमेशा बनाए रखा है। तिरंगा जो कि हमारे देश की आन बान शान, अस्मिता, संप्रभुता, एकता का प्रतीक है, उसकी शान में कुछ आँच ना आए ये जो है हमारे सैनिक सुनिश्चित करते हैं। और 1999 में भी जब पाकिस्तान ने करगिल की चोटियों पर अवैध रूप से कब्जा किया, तो उस समय भी भारतीय सेना सामने आई, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिन्होंने करगिल की चोटियों पर कब्जा किया था, उनको बाहर खदेड़ दिया गया और भारतीय सेना को एक शानदार विजय प्राप्त हुई। और 26 जुलाई को इसीलिए हम करगिल विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, भारतीय सेना के उत्तरी कमान से उधमपुर, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये है कारगिल की विजय गाथा, जब दुनिया ने देखा देश का पराक्रम। पूरा देश आज कारगिल की जंग के शहीदों को नमन कर रहा है, उनके बलिदान को याद कर रहा है, उनकी विजय गाथा को याद कर रहा है। जब 1999 की जंग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को कैसे भारत के जांबाजों ने धूल चटा दी थी। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कारगिल जंग के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने शौर्य और पराक्रम से तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सपूतों को नमन किया। उधर उत्तराखंड में गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी शौर्य स्थल पर जाकर चीर बाग में इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की है और शहीदों को याद किया है। कारगिल की जंग में देश ने 527 वीर सपूतों को खोया था। इन्हीं में से एक थे कैप्टन अमोल कालिया, जिन्होंने माता पिता से ये बात छिपाई कि वो जंग के मैदान में जा रहे हैं। शहीद कैप्टन अमोल कालिया ने युद्ध में बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया और प्राण देकर भी मातृभूमि की आन बान और शान पर आंच नहीं आने दी। इस घर की दरो दीवार पर कैप्टन अमोल कालिया की यादें चस्पा है। यूं तो बुजुर्ग माता पिता की आंखें जब तब बहादुर बेटे को याद कर नम हो जाती हैं, लेकिन जब भी कैप्टन अमोल कालिया की शहादत का जिक्र होता है, इनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि इनके लाल ने भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंग के मैदान पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पिता का सपना था कि बेटा सेना में जाए, उनका और देश का नाम रोशन करे, और बेटे ने पिता का सपना साकार कर दिखाया।
मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे फौज में जाएं और आई एम इंडेटेड एंड थैंकफुल टू माय सन कि उन्होंने मेरी बात मानी और दोनों ने फौज ज्वाइन की थी। दुख की बात है कि अमोल जल्दी चले गए सर, ओनली 3.5 years ही सर्व्ड इन द आर्मी। बड़ा बेटा ही प्रेजेंटली ग्रुप कैप्टन, तो वो एयरफोर्स में ही है। सतपाल कालिया को अब भी वो पल याद है जब युद्ध से 10 दिन पहले कैप्टन अमोल कालिया घर आए थे और जरूरी दस्तावेज लेकर अपना फर्ज निभाने निकल पड़े। तब 25 साल के कैप्टन अमोल कालिया ने माता पिता से ये बात छिपाई थी कि वो जंग के मैदान पर जा रहे हैं। वो आके गया यहाँ पे, उसने बताया नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहाना करके कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ फोटोग्राफ थे जो स्नो पे चढ़ने के उतरने के या कैसे करते हैं, वो यहाँ से लेके गया। देन ही वेंट। बटालिक सेक्टर के पॉइंट 5203 पर कैप्टन अमोल कालिया ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों से लोहा लिया। ये करगिल वॉर की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक थी जिसमें कैप्टन अमोल कालिया और उनके सभी साथियों की शहादत हुई थी। लेकिन उनकी इस शहादत ने भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करते हुए जीत की बड़ी नींव डाल दी थी। ऐसे में कारगिल वॉर में इस अदम्य साहस और हौसले के लिए कैप्टन अमोल कालिया को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज पूरा देश कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथियों की शहादत को नमन कर रहा है, उनके पराक्रम और बलिदान को याद कर रहा है। संदीप खड़वाल, ऊना, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज। और अब बात दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह की। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन तो आज शाम 6:30 होगा, लेकिन इससे पहले आज सुबह यहां पूजा हवन किया गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में शामिल श्रमिकों का सम्मान भी किया। शाम को प्रधानमंत्री इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर G20 के स्टैंप और सिक्के भी जारी होंगे। 2700 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि इस मल्टीपर्पज इमारत की क्षमता 7000 लोगों की है। ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इसी कन्वेंशन सेंटर में सितंबर में G20 की अहम बैठक होने वाली है। 123 एकड़ में बने इस कन्वेंशन सेंटर में निर्माण में 2700 करोड़ की लागत लगी। यहां एक साथ 5,500 कारों की पार्किंग का इंतजाम है। देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश में स्वदेशी रूप से तैयार उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत की भीतरी सुरक्षा और पुलिस संरचना को आधुनिक तकनीकों और इनोवेशंस के साथ सक्षम बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। उसी के मद्देनजर प्रगति मैदान में एशिया के सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। 2 दिनों के इस एक्सपो में 25 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत के साथ दुनिया भर की आधुनिक इक्विपमेंट और तकनीक का यहां पर शोकेस भी किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया बन गए हैं। मनीष, ये एक्सपो जहां पर टेक्निकल चीजों की प्रदर्शनी लगी है, बताइए उसके बारे में, किस तरह के वहां पे स्टॉल्स हैं, कितने लोगों के आने का अनुमान है? देखिए, अभी ये एक्सपो बस शुरू ही हुआ है और चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी, लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोग ये देखना समझना चाहते हैं कि आखिर देश के डिफेंस सिस्टम में किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या फिर किस तरह की नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार डिफेंस सिस्टम में आने वाले हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी आप गन्स देख रहे हैं या जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, ये सब मेक इन इंडिया है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले हम रशिया या फिर
दूसरी कंट्रीज से लिया करते थे, लेकिन अब ये भारत में ही तैयार होती हैं। इनमें से कई ऐसी गन्स हैं जो कि पहले रशिया से ली जाती थी, लेकिन अब वो भारत तैयार होती है। और कई ऐसी पिस्टल्स हैं जो भी कुछ नई तकनीक के साथ आगे आए हैं। हमारे साथ जो इसके हेड है वो मौजूद है। सर, किस तरह की इस बार नई चीज़ें लेकर आए हैं? नमस्कार, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, जो एक DPSU है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। हम स्मॉल आर्म्स जो हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं अपने पुलिस फोर्सेस के लिए और उस बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो इसमें एक फ्रॉम 7.62 कैलिबर से लेके 5.56 कैलिबर कार्बाइन्स, पिस्टल, रिवॉल्वर्स, असॉल्ट राइफल्स, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इसके अलावा हमारी कंपनी लार्ज कैलिबर वेपन जैसे आर्टिलरी वेपन्स में, मोटार्स में, मशीन एंड साथ ही साथ हम एम्युनिशन हार्डवेयर जैसे शेल बनाते हैं जो हम अपनी बाकी कंपनियों को। पिस्टल्स के साथ कुछ प्रयोग किया है आपने, क्या वो प्रयोग एक बार दिखा दीजिए हमें। इसमें ये नया पिस्टल हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लॉन्च किया है, ये पहले 8 मैगजीन के साथ आता था, अभी इसको हमने 10 मैगजीन के साथ लॉन्च किया है। ये मैगजीन जो कैपेसिटी है ये 10 कर दी गई है अभी, ताकि इसमें एम्युनिशन ज़्यादा आ सके और कस्टमर जो हमारे सिविल ट्रेड कस्टमर्स हैं उनके लिए एक नया प्रोडक्ट है जिसको वो खरीद सकते हैं बड़े अच्छे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। एक देखिए यहाँ पर ये स्नाइपर राइफल है, और आपको बता दूं कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 800 मीटर के आसपास है। इसे फिलहाल आर्मी यूज़ कर रही है, पहले ये दूसरे देशों से आती थी, अब ये भारत तैयार हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोटोटाइप है जिसकी रेंज लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है, और ये अभी तैयार हो रही है, यानी कि जल्द ही ये भी सेना में इसका इंडक्शन हो जाएगा। इसी तरह के तमाम सारे नए हथियार हैं जिनको यहाँ पर कुछ तैयार किया जा रहा है, कुछ पहले से बन चुके हैं, लेकिन तस्वीर यहाँ से यही दिखाई पड़ती है कि किस तरह से भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो कि डिफेंस के उसमें उतरे हैं और बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट और आइडियाज़ के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा देशों की जो कंपनीज हैं, 300 से ज़्यादा कंपनियां वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है। 2 दिन तक ये पूरा एक्सपो चलेगा, और 2 दिनों तक तमाम जो कंपनीज जो बाहर से आई हैं, जो भारत की हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होगा। जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत सारी बातें आगे यहाँ से बढ़ने वाली हैं। जी, दिल्ली NCR में आज सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। लोगों की जब नींद खुली तो बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया था। उमस भरी गर्मी उड़न छू हो चुकी थी। हालांकि सुबह सुबह हो रही बारिश से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोगों को खासकर कई जगह जल जमाव का सामना करना पड़ा। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बारिश एक तरफ गर्मी से राहत तो लाई लेकिन परेशानी का सबब भी बनी। आज के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैसे मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। उधर बारिश को देखते हुए नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए। नोएडा में जगह जगह पानी भर गया। यमुना और हिंडन के बाढ़ का पानी नोएडा के निचले इलाकों में घुसा हुआ है, तो आज की बारिश के बाद नोएडा में जगह जगह पानी भर गया। गाजियाबाद में भी कमोबेश ऐसा ही हाल देखने को मिला। उदयपुर में उफनती दरिया में फंसे 2 बाइक सवार युवकों का सिविल डिफेंस की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। दोनों बाइक सवार उफनते दरिया के बीच में पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव के चलते कंट्रोल नहीं रख पाए और पानी में बहने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद दोनों युवकों का बाइक समेत रेस्क्यू कर लिया है। है तो ये उदयपुर की एक सड़क, लेकिन इस वक्त किसी उफनाती दरिया से कम नहीं। और इस तेज धार की परवाह के बगैर जब एक बाइक सवार ने उसे पार करने की कोशिश की तो नदी के तेज धार में बहने लगा। पहले पिलर ने सहारा दिया और फिर सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार दोनों युवकों की जान बचाई। उदयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर उबेश्वर रोड पर मोरवानिया नदी का पानी ओवरफ्लो कर रहा था। नदी का पानी सड़क के आर पार बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में आने पर खुद को संभालना बेहद मुश्किल था। पानी के तेज बहाव को देखकर सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। किसी ने भी आगे जाने की कोशिश नहीं की।
लेकिन बाइक सवार दो युवकों ने पानी की तेज रफ्तार की परवाह किए बिना पुलिया पार करने की कोशिश तो की, लेकिन दोनों बाइक के साथ बह गए। गनीमत रही कि करीब 100 मीटर आगे जाकर बाइक किनारे फंस गई और दोनों युवकों ने पुलिया पर बने पिलर को पकड़ लिया, जिससे नदी में बहने से बच गए। जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर आई, लेकिन बचाव दल के लिए भी पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू आसान नहीं था, लिहाजा हाइड्रोलिक क्रेन को मंगवाया गया। क्रेन के जरिए रस्सी को पिलर से बांधा गया और फिर रस्सी के जरिए शुरू हुई बचाने की कवायद। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक एक कर दोनों युवकों का रेस्क्यू कर लिया। जान जोखिम में डालकर हमारे ये पीछे खड़ा ट्रक इसके साथ और 12 जवानों के साथ हमने पुलिया पार कर मौके पर पहुंचे और करीब 25 मिनट की कड़ी मशक्कत कर हाइड्रोलिक क्रेन जो कि आर्मी कैंपस से आर्मी के जवानों द्वारा मंगाई गई स्थानीय लोगों के सहायता से हमने उन दोनों बच्चों को सुकुशल जीवित बाहर निकाला एवं उनकी बाइक भी बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द की। बाइक सवार दोनों युवकों को बचाने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाइक को भी पानी से निकाल लिया। बताया गया कि दोनों युवक रील बनाने के चक्कर में लापरवाही बरत रहे थे और उफनाती पुलिया को पार करने की भी कोशिश उन्होंने की। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचकर सिविल डिफेंस टीम ने दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। कई दानदाता भारी रकम चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर बहुमूल्य भेंट बाबा केदार को अर्पित करता है। बाबा के धाम में आने वाले चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए अब धाम परिसर में नई व्यवस्था कर दी गई है और बनाया गया है यहां पर एक ग्लास हाउस। देखिए केदार धाम का ये ग्लास हाउस कैसा है। ये केदारनाथ मंदिर के पास बना ग्लास हाउस है। पारदर्शिता के प्रतीक इस ग्लास हाउस की विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसका शुभारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। भक्तों की ओर से केदार धाम को करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भक्तों की ओर से महंगे उपहारों के अलावा सोने चांदी के गहने भी भेंट किए जाते हैं। मंदिर के चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से की जाती है। मंदिर समिति ने चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर के पास शीशे से बने एक पारदर्शी कक्ष की स्थापना की है। इस कक्ष की विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ हो गया है। इस पारदर्शी कक्ष को ही ग्लास हाउस कहा जा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद श्री मंदिर समिति के पास जो भेंट दान राशि जो होती है उसके लिए उचित स्थान नहीं था। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पहल यहाँ पे हुई और पूरे शीशे के साथ जो भेंट दान राशि होती है उसकी काउंटिंग के लिए यहाँ पे ये एक नया कमरा जो बनाया गया है पूरे शीशे के साथ बनाया गया है और CCTV कैमरा के साथ पूरा बनाया गया है। धनराशि समेत कीमती और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए यहाँ बाकायदा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। यानी अब ग्लास हाउस के अंदर रखे जाने वाले चढ़ावे की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए होगी और गिनती के समय भी इस पर नजर बनी रहेगी। इस ग्लास हाउस को बाबा केदार के एक भक्त और दानदाता ने बनवाया है। हालांकि मौसम की खराबी के चलते ग्लास हाउस बनने में देरी हुई, लेकिन अब चढ़ावे की गिनती और निगरानी के लिए ये पूरी तरह तैयार है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे।